हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, लिंकेज क्या होता है यानी लिंक होना, एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है यानी फिर से कॉम्बिनेशन होना। यानी लिंकेज का मतलब है कोई चीज़ आपस में जनरेशन टू जनरेशन जो है साथ के साथ आपकी मूव कर रही है, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि नए आपके जो है कॉम्बिनेशन बन करके तैयार हो रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। रिकॉम्बिनेशन के बारे में आप हम जो है मियोसिस में भी हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे आपका जो है रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसे आपका जब कॉपी तैयार होती है तो फिर से नए कॉम्बिनेशन बन करके तैयार होते हैं। लेकिन लिंकेज जो है वो हमारे लिए नया है। लिंकेज में क्या होता है, कैसे कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, यानी अगर एक जीन मूव कर रहा है तो कैसे साथ के साथ उसके साथ दूसरा जीन भी जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है, वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। तो यही हमें थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक। यानी कि अभी हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो ड्रोसोफिला था उस पर स्टडी की थी, और कैसे उस पर इन्होंने काफ़ी जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस करा कि कैसे जो जीन्स होते हैं वो सेक्स लिंक्ड होते हैं। यानी मेल है तो कोई स्पेशल करेक्टर जो है उसके साथ मूव कर रहा है, अगर फीमेल है तो कोई स्पेशल करेक्टर जो है उसके साथ मूव कर रहा है, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोजोम के साथ लिंक है। देन देखिए, द क्रोसेज वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रोसेज कैरिड आउट बाय द मेंडल इन पीज। बिल्कुल ऐसे ही है क्रोस जो जैसे कि हमने मेंडल ने आपके पी प्लांट में किए थे। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येल्लो बॉडीड वाइट आइड फीमेल। यानी कि जो फीमेल है उसकी बॉडी कैसी है, येल्लो है, और आई का कलर कैसा है, वाइट है। उसका क्रॉस इन्होंने कराया ब्राउन बॉडी यानी ब्राउन बॉडी वाले और रेड आई वाले मेल से, एंड इंटरक्रॉस दियर F1 प्रोजेनी ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एंड F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने कहा है कि भाई आपका जो ये दो जीन है आपके, देखिए जैसे हमने पहले जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था अगर आपको याद है तो उसमें क्या था कि आपके राउंड और येल्लो सीड थे, रिंकल और ग्रीन सीड थे। तो जो राउंड अलग आपका मूव कर जाता था, येलो आपका अलग मूव कर जाता था, रिंकल अलग मूव कर जाता था, और जो ग्रीन है अलग मूव कर जाता था इंडिपेंडेंटली, और जिसकी वजह से जो है नए कॉम्बिनेशंस बन जाते थे। जैसे राउंड और येलो सीड लिए थे तो राउंड और आपको ग्रीन सीड भी देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो चीज़ जो है नहीं हो पा रही है, तो जो रेशो थी 9:3:3:1 वो जो है वो चेंज हो जाती है ड्रोसोफिला के केस में। तो देखिए, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन ने देखा कि क्योंकि हम सेक्स लिंक्ड बात कर रहे हैं तो वो एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड सा क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो उन्होंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन अगली जनरेशन में आ रहे थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि उनके पेरेंटल टाइप है, यानी जैसे उनके पेरेंट्स सेम वैसे ही कॉम्बिनेशन आ रहे थे। नॉन पेरेंटल टाइप आने के चांसेस बहुत कम थे, यानी अलग कोई कॉम्बिनेशन आई ये चांस बहुत कम था। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। यानी कि जो मॉर्गन थे उन्होंने इसे क्या नाम दिया, लिंकेज। यानी जब दो जीन जो है आपस में लिंक होकर जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। जबकि मेंडल के केस में उन्होंने बताया था कि दो, जब हमने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, तो वहाँ बताया था कि कैसे आपके दो करेक्टर जो होते हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। तो दो जो पुराने थे वो भी हमें मिलते हैं राउंड येल्लो और रिंकल ग्रीन, और जो दो नए थे राउंड और ग्रीन और रिंकल और येल्लो वो भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो इसको क्या टर्म दिया, लिंकेज। लेकिन अगर हमें क्या होता है कि आपका जीन्स जो होते हैं वो नए कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं यानी नॉन पेरेंटल टाइप भी मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशंस। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड। यानी अब लिंकेज में भी बात क्या आती है कि कुछ जो है टाइटली लिंक्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके लूजली लिंक्ड होते हैं। इसको हम थोड़ा नेक्स्ट जब आपका पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे हम कैसे डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट येल्लो वर वेरी टाइटली लिंक एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। अभी मैं नेक्स्ट पढ़ेंगे देखेंगे, वाइट और जो येल्लो कलर दिखाया गया है इन्होंने वो जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइटली लिंक्ड यानी लिंकेज काफ़ी ज़्यादा दिखाता है, तो उसमें सिर्फ रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कितने हैं, सिर्फ 1.3%। जबकि जो वाइट और मिनिएचर टाइप का आपका विंग्स लिए हैं तो वहाँ पर क्या है आपका
37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो जो उसका स्टूडेंट था यानी हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूडवेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम एज ए मेजर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप डियर पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम। यानी कि जो उनके स्टूडेंट था उन्होंने स्टडी की कि कैसे जो एक क्रोमोजोम पे जब दो जीन जो होते हैं जितना ज़्यादा दूर प्रेजेंट होंगे एक दूसरे से जीन उतना ही वो कंप्लिंक उनके होने के चांसेस है यानी उनके बीच में लिंकेज होने के चांसेस जो है उतना ही कम है, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा है। लेकिन जो साइड बाय साइड यानी कि जितने पास के जीन होंगे उनमें क्या होता है लिंकेज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं यानी जो पास में जीन प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा लिंक रहते हैं एक दूसरे से। टुडेज जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सिक्वेंसिंग ऑफ द ऑफ विच जीनोम एज वॉज डन इन द केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सिक्वेंस प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से जो है अब भाई लिंकेज के बारे में पता चला, सेम ऐसे फिर जो जीन्स आपकी कहाँ प्रेजेंट है इसके बारे में पता करना स्टार्ट किया, तो अब ये पॉसिबल है कि हम सभी जीन्स का जो है एक जो है स्टडी बता सकते हैं कि कहाँ कौन से जीन प्रेजेंट है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग के जीनोम के सीक्वेंस को आपको लिख दिया जाए तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है वर्किंग में है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा बाद में आएगा। पहले हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल आपका, सपोज करिए क्रॉस ए दिखाया गया है और ये क्रॉस बी दिखाया गया है, यहाँ पे ये पेरेंट है और यहाँ पे ये पेरेंट है। तो फर्स्ट हम आपको क्या आते हैं क्रॉस ए पे पेरेंट क्या दिखाए गए हैं, येल्लो और वाइट, और जबकि ये क्या है आपका जो मेल आपका शो किया गया है वो क्या है वाइल्ड टाइप है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम गैमेट बनाते हैं, एक गैमेट आपका जब गैमेट बनते हैं तो क्या होता है सेपरेट सेपरेट जाते हैं, तो अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो दोनों गैमेट एक जैसे बनेंगे, एक के पास ये आएगा सिर्फ ये और एक के पास सिर्फ ये, और अगर हम बात करते हैं मेल की तो यहाँ पे एक ये आएगा और एक ये। तो इस टाइप से आपके जब दोबारा से कॉम्बिनेशन बनता है तो एफ वन जनरेशन में क्या हो रहा है वाइल्ड टाइप आपके बन रहे हैं। वो कैसे कैसे देखिए, ये एक यहाँ से आपका मूव किया, साथ में क्या होगा कि यहाँ पे ये इसके साथ मूव कर रहा है, एक यहाँ से इसके साथ में ये मूव कर रहा है। दो हमने यहाँ पे दिखाए गए हैं, दो हमने शो नहीं किए हैं क्योंकि वो दो जो है वो भी आपके सेम ही बनेंगे, तो सिर्फ दो शो किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाइट और येलो जो आपका जिसकी वजह से आ रहा है वो जो जीन है वो एक दूसरे के काफ़ी काफ़ी पास प्रेजेंट है। अब देखिए जब नेक्स्ट आपका जब बनेगा जनरेशन हम F2 की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या कर रहा है आपके, देखिए हम दिखाते हैं पेरेंटल टाइप जो बन रहे हैं। तो देखिए ये YW जब है इसका हम करते हैं इसके साथ में तो ये आपका आ रहा है, इनका करते हैं इनके साथ में तो ये आपका आ रहा है, फिर क्या करेंगे हम आपका यहाँ पे जो आपका शो किया गया है इसका इसके साथ में ये आ रहा है और इसका इसके साथ में आपका सॉरी इनका इनके साथ में ये आ रहा है। तो ये जो चारों हैं आपके ये पेरेंटल टाइप हैं और जिसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 98.7% यानी पेरेंटल टाइप आने के चांसेस कितने हैं 98.7%। यहाँ पे हमने जो सेपरेट सेपरेट दोनों का लेकर के क्रॉस दिखाया गया है ऐसे ही आपका जो है पेरेंटल टाइप हमें मिल जाता है तो वो कितना आ रहा है आपका 98.7%। यानी कि देखिए जब जो जीन के बीच में स्पेस कम है डिस्टेंस कम है तो वो है लिंक होकर के ज़्यादा चलेंगे, जबकि जो हम रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं तो जब सेम चीज़ यही रिकॉम्बिनेशन है आपका इसमें क्या होता है देखिए ये हाफ पोर्शन ब्लू है ये येलो है यहाँ पे थोड़ा सा येलो है बाकी का ब्लू है, ये रिकॉम्बिनेशन हमें दिखा दिया जब हम रिकॉम्बिनेशन करके करते हैं। सेम यही चीज़ बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, बस थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन आपको शो किया गया है कि कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, थोड़ा ये जो है जीन का यहाँ पे इंटरचेंज हो गया और नए जो है रिकॉम्बिनेशन बन करके तैयार हुआ है। तो ये सिर्फ कितना है 1.3%। लेकिन अगर हम आते हैं क्रॉस बी के पास में तो क्रॉस बी में भी सेम आपकी ये कंडीशन है, देखिए ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे आपका वाइट और मिनिएचर और आपका दूसरा क्या है वाइल्ड टाइप है। यहाँ पे ये देखिए ये दोनों जीन के बीच में स्पेस काफ़ी है और डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो सबसे पहले तो वही बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर करके ये आपके जो कॉम्बिनेशन दोनों के सेम आएंगे, दो और जीन आएंगे लेकिन वो सिर्फ हमने दो शो किए हैं क्योंकि बाकी दोनों भी सेम आने हैं। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आप बनाते हैं तो देखिए जो पेरेंटल टाइप है यानी कि पहले येल्लो का इसी के साथ भी और इसके साथ भी कर देंगे, फिर इस ब्लू वाला जो है इसके साथ में इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, तो इस तरीके से चार आपके बन करके तैयार हो जाते हैं टाइप्स। तो ये कितना है सिर्फ और 62.8% आया है, जबकि जो रिकॉम्बिनेशन है वो देखिए यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन आपका ब्लू और येल्लो ज़्यादा था,
यहाँ पे देखिए इतना पोर्शन ब्लू आ रहा है, इतना पोर्शन येलो आ रहा है, ऐसे ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंजेस आपके हैं, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाया गया है। और ये कितना है 37.2%, यानी कि अगर बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे और लिंकेज होने के चांसेस उतने ही कम होंगे, यानी लिंकेज कम होगा। तो इस टाइप से ये आपका दिखाया गया है लिंकेज कैसे होता है और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।